यार मिस्टरी, मैं फोकस ही नहीं कर पाती। पूरे दिन किताब को लेके बैठती हूँ ना, तो भी मेरा कोर्स कवर नहीं हो पाता। कंटिन्यू 10-12 घंटे स्टडी कैसे करें? कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन ना मेरा कोई टॉपिक सही से कवर नहीं हो पाता है, और इन सबको सोच सोच के मुझे स्ट्रेस सा होने लगता है। यार क्या करूँ? हेलो एवरीवन, आई एम सी ए जागृति जैन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी ए जागृति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी टिप्स जो आप आपकी स्टडी में डालें ना, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है, आपका आउटकम है, वो डबल हो जाएगा। तो जल्दी से शेयर करते हैं ऐसी क्या टिप्स है जो आपके स्टडी को नॉर्मल से स्मार्ट कर सकती है। टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आपकी स्टडी का सीधा सा कनेक्शन होता है आपके माइंड से। आप अगर अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान शेड्यूल करें ना, तो स्टडी की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो डबल हो जाएगी। मेरी फर्स्ट एडवाइस, रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। आप कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, कब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करता है, स्टडी करता है। मेरे केस में मॉर्निंग का टाइम था 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। ये जो टाइम था मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहता था, तो मैं क्या करती थी, इस समय में टफ टफ टॉपिक्स को लेती थी, लाइक ऑडिट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लॉ के जो टफ पोर्शन था वो लेती थी, FRSFM की थ्योरी कर लेती थी। तो इन सब में क्या होता था, मेरा जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो टफ चीज़ों में चला जाता था। फिर जब दिन में माइंड में होता है ना, थोड़ा सोने की इच्छा होती है या लेजीनेस आती है कि स्टडी नहीं करे, तो उस समय मैं क्या करती थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या, हम रेगुलर कुछ ना कुछ लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आपका कुछ ना कुछ मोमेंट तो चलता रहता है, तो आपका माइंड भी क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। एंड नाइट में जब मैं थक जाती थी ना, तो और मेरा माइंड कहता था यार अब स्टडी नहीं करनी है, तो मैं क्या करती थी, रिविजन लेक्चर स्टार्ट। और मेरे माइंड को कहती थी यार तू थक गया है ना अब, तो ठीक है बस तुझे कुछ भी नहीं करना है, जो रिविजन लेक्चर चल रहा है ना उसको आराम से सुन और उसको माइंड में डाल। तो इस तरीके से माइंड के मूड के अकॉर्डिंग, यानी आपके माइंड की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्टडी शेड्यूल बनाएंगे, तो आपको इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखेगी। मेरी सेकंड एडवाइस, लर्निंग स्टाइल। देखो सबका स्टडी करने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे ना रिवीजन लेक्चर देख के चीज़ें जल्दी रिकॉल होती थी, मतलब एक बार रिवीजन लेक्चर देखने के बाद मैं फटाफट से नोट्स कंप्लीट कर लेती थी। कुछ कुछ लोगों का होता है जो जो से बोल बोल के उन्हें याद होता है, कुछ लोगों का लिख के याद होता है। तो आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, उससे आपकी स्टडी में डालें, किसी और के कहने पर ना जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका लर्निंग स्टाइल होता है उससे आपको एग्जाम में चीज़ें रिकॉल रहती है। तो आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, रिविजन लेक्चर देखते हो, जो उसे बोलकर स्टडी करते हो, एक जगह से दूसरी जगह चलते चलते स्टडी करते हो, या आप बैठे बैठे स्टडी करते हो, 8-10 घंटे आराम से सीटिंग कर लेते हो, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है उसे देखें और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टडी करें। मेरी थर्ड एडवाइस, फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी। जी हाँ, आप कहाँ स्टडी कर रहे हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है आप कितनी इफ़ेक्टिवली स्टडी कर लेंगे। मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती थी, छत पे चली जाया करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में सब कुछ ना कुछ काम करते, घर पे तो थोड़ा हल्ला सा रहता था, तो मैं छत पे स्टडी किया करती थी, और उस समय बिना डिस्टर्बेंस के, बिना डिस्ट्रक्शन के स्टडी हो जाया करती थी। सेकंड, आप जहाँ भी स्टडी करते ना, उस स्टडी प्लेस को फिक्स करें। मेरा फिक्स था, मैं मॉर्निंग में छत पे स्टडी करूँगी, दिन में नीचे अपने रूम में स्टडी करूँगी। तो और क्या होगा ना, जैसे ही नाइट में आप बेड के पास जाते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है चलो अब सोते, क्योंकि आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि नाइट में ना बिस्तर पर हम सो जाया करते हैं। तो उसी तरीके से आपकी अगर जगह फिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरी जगह फिक्स थी, मुझे छत पे जाके सुबह मॉर्निंग में स्टडी करना है, तो मैं जैसे ही छत पे जाती थी मुझे रिकॉल हो जाता था, मेरे माइंड कहने लगता था कि चलो अब स्टडी करते हैं। फिर दिन में मैं टेबल कुर्सी पे स्टडी किया करती थी, तो जैसे ही कुर्सी पे बैठती थी स्टार्ट कर सोचती थी आज या क्या स्टडी करूँ, मतलब स्टडी से रिलेटेड थॉट्स आ जाते थे। आई नो थोड़ी सी सीली थिंग है, लेकिन जब आप इसको 10 डेज भी कंटिन्यू यूज करते ना, 11th डे से आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। मेरी नेक्स्ट एडवाइस, क्लीन योर स्टडी डेस्क। देखो आपके स्टडी डेस्क जितना ज़्यादा अरेंज होगा ना, आपको उतने ही अच्छे से स्टडी हो पाएगी, क्योंकि जहाँ सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है ना, तो हमारे माइंड में भी कुछ व्यवस्थित नहीं रह सकता। इसलिए स्टडी करने से पहले या फिर जब भी स्टडी करने का मूड नहीं होना, तो आपकी चीज़ें को सही से कर लें। नाइट में आप ये कर सकते हैं कि चलो मुझे कल मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट स्टडी करने, तो उनकी बुक्स निकाल दी, नोट्स निकाल दिए, ये टॉपिक करना है तो उस पर बुक मार्क लगा दिया। ये सारी चीज़ें अरेंज
मैनेजमेंट आप जितना नाइट में अपने फ्री टाइम में कर लेंगे ना, जब आपका स्टडी टाइम होगा उतना इफेक्टिवली आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। मेरी नेक्स्ट एडवाइस, नाइट में सोने से पहले एक बार एनालाइज कीजिए कि सुबह उठकर आपने मॉर्निंग में 7 से लेकर 10 तक कौन सा सब्जेक्ट स्टडी किया, उसमें कौन सा टॉपिक कवर किया, क्या क्या चीज़ें कवर की, फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, पूरे दिन को एनालाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ आपने आज पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूज किया है और बहुत अच्छा आपका कोर्स कवर हुआ है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या हमें स्ट्रेस होने लगता है, तो इस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगी। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, आपको रियलाइज होगा कि किस टाइम को आपने वेस्ट कर दिया, आप स्टडी में उसे यूज कर सकते थे। तो जब भी नाइट में सोए पूरे दिन को एनालाइज कीजिए कि आज आपने क्या किया। मेरी नेक्स्ट एडवाइस, नाइट में सोने से पहले पूरा प्लान बना ले कल के लिए कि इस सेशन में मुझे ये टॉपिक कवर करना है, नेक्स्ट सेशन में मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो इससे आपके जो स्टडी है प्लान मैनर में रहेगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।